वीवो के ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ रेड हो रही है। देश भर में वीवो के 44 ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर वीवो के स्टोर्स की तलाशी ली गई है। जम्मू में भी लगभग 2 घंटे तक ईडी की कार्रवाई हुई। ईडी ने वीवो स्टोर्स में दस्तावेजों की जांच की है। चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है वीवो, जिसके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। देखिए, अलग अलग जगह किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को देखते हुए ठिकानों पर वीवो के ईडी ने ताबड़तोड़ रेड की है। जम्मू में भी लगभग 2 घंटे तक ईडी ने कार्रवाई की है। इसके अलावा देश भर में वीवो के 44 ठिकाने हैं जहां पर ईडी ने छापा मारा है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर वीवो के स्टोर्स की तलाशी भी की जा रही है। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या और जानकारी मिल रही है? क्या अभी भी ये रेड जारी है और देश में कहां कहां ये रेड हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर 44 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर फिलहाल ये रेड चल रही है। जो चाइनीज मोबाइल कंपनियां हैं, जिसमें वीवो जैसी कंपनियां शामिल हैं, इनके जो कंपनियों के सहायक जो डायरेक्टर्स हैं और जो बोर्ड मेंबर्स हैं, इन तमाम लोगों के यहां पर इस वक्त रेड चल रही है। 44 के करीब ये ठिकाने, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तकरीबन 500 करोड़ रुपए के गबन की मामला सामने आया था, जिसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था और उसी मुकदमे के अंदर अब ईडी फिलहाल रेड कर रही है। हालांकि सीबीआई ने भी इसमें एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद सीबीआई ने भी अपनी तफ्तीश शुरू की थी। फिलहाल ईडी की आज एक बड़ी रेड इसको लेकर, बड़ी कार्रवाई इसको लेकर सामने है और सीधे तौर पर जितनी भी चाइनीज कंपनी है, जितनी भी मोबाइल से जुड़ी कंपनी है, उन तमाम कंपनियों के ठिकानों पर इस वक्त रेड चल रही है। जी जी, जितेंद्र शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।